तो दोस्तों Realme 3 Pro के यूज सक्सेस के बाद अब हमको इंतज़ार है Realme 5 और 5 Pro का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी लीक्स एंड रूमर सुनी होगी कि Realme का 4 और 4 Pro आने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चाइनीज़ ब्रांड होते हैं वो 4 नाम से कोई भी फ़ोन को लॉन्च करते ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ये अशुभ माना जाता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं Realme के 5 Pro के बारे में। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स आए हुए हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में सबको जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, साथ ही आप लोगों को बैक साइड में डुअल कैमराज का सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ्रंट पैनल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एमोलेड पैनल होने वाला है। साथ ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है, और ये फ़ोन आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन के 665 का प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही आप लोगों को एंड्रॉयड पाई का भी सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि कलर वाइज 6 के साथ आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के रियर कैमराज के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को डुअल रियर कैमराज का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर है वो होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें आप लोगों को सैमसंग के GW1 का सेंसर मिलने वाला है, और आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 4230 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली है, और आप लोगों को टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को दो रैम वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 334 GB और 464 GB। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस यानी कि 334 GB वाले मॉडल की प्राइस आप लोगों को अराउंड 10,000 से 15,000 देखने को मिल सकती है, यानी कि 10,000 से 15,000 की रेंज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक 64 मेगापिक्सल का सेंसर, स्नैपड्रैगन के 665 का प्रोसेसर। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अपनी प्राइसिंग के हिसाब से फ़ोन कैसा है, आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये आप लोगों को जरूर से अक्टूबर महीने में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं है, जो आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।